श्रावस्ती अपनी मांगों को लेकर शिक्षाओं ने दिया धरना। काफी समय से लंबित मांगों को लेकर शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर तले 17 जनवरी को भिनगा स्थित GIOS कार्यालय परिसर में धरना दिया। धरने की अगुवाई संगठन के उपाध्यक्ष निरुद्ध त्रिपाठी ने की। इस धरने में शिक्षकों की प्रमुख मांग में नियमित वेतन बकाया, संपूर्ण अवशेष भुगतान, रिटायर शिक्षकों, कर्मचारियों, GPAF एवं पेंशन पत्रावलियों का समय से निस्तारण रहा। DIGOS के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने धरना समाप्त किया। इस दौरान काफी संख्या में शिक्षक पदाधिकारी मौजूद रहे। जनपद का ऐसा जिला है जहां वेतन का नियमित भुगतान नहीं होता है, और वेतन के नियमित भुगतान न होने के पीछे कारण सिर्फ एक कारण है कि जो ग्रांट आता है उसमें से हमारे भाई जो लेखाधिकारी और जो संबंधित क्लर्क हैं 10% कमीशन लेकर के अवशेष का भुगतान कर देते हैं और वेतन कम हो जाता है और वेतन बाधित हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए आज हम लोग माननीय अनंत त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरने पर कार्यालय बैठे। हाँ सर, आपका नाम क्या है और क्या मांग है आपका यह धरने में? हमारा नाम डॉक्टर स्वर्ण कुमार तिवारी है, मंडल मंत्री देवी पाटन का दायित्व हमारे पास है। श्रावस्ती जनपद की सबसे बड़ी मांग यह है कि छठे वेतन से लेकर के सातवें वेतन तक के अवशेष इस कार्यालय इस कार्यालय में अभी तक पेमेंट नहीं हुए हैं, और जो सबसे खराब बीमारी श्रावस्ती जनपद की है, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि लेखाधिकारी और ये डिवाइवर तत्कालीन 10% कमीशन लेकर के अवशेषों का भुगतान करते हैं, जो शिक्षा जगत पर एक बड़ा कलंक है। इसी कलंक को दूर करने के लिए आज हम लोग इस धरने पर बैठे हैं, और इनके यहाँ 75 जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 74 जिलों को